हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी हो अर्चना। और मैं हूँ अर्चना। आप लोगों से मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले व्लॉग्स में बहुत बार ये बात कही है कि वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब जो मैंने जो भरोसी मम्मी से बनवाए थे उसमें मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो आज ये वीडियो फाइनली आ गई है। और ये वही परोसी है जो मैंने मम्मी से बनाई थी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो अगर आपने नहीं देखा वो व्लॉग तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो मैं चूल्हा जो है हमारा जला रही हूँ। आप देख सकते हैं चूल्हा क्या भरोसी है। तो बहुत से लोगों को भरोसी नहीं समझ में आती है, तो वो चूल्हा भी इसको बोल सकते हैं, बट चूल्हा इस तरह का नहीं होता, वो अलग होता है। वो ईंट से जो मैं बनाऊंगी, मैंने सोचा है कभी मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी वो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग यही देखिए। और इसको, इसमें अब मैं जो है कोला सुलगा रही हूँ। पहले मैंने लकड़ियों पतली पतली लगा के उसको जला ली है, और अब उसी के ऊपर मैं कोयला रख रही हूँ ताकि कोयले से मैं अंगार बना सकूँ। और फिर इसी अंगार के साथ और छोटी छोटी ये जो पतली पतली लकड़ियां हैं, इनके साथ जो है आज का पूरा जो खाना है, खाने से लेकर सब्ज़ी रोटी से लेकर मीठे से लेकर सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले जब भी हम कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, मीठा। तो नई चीज़ थी भरोसी, नई बनी हुई थी और शुरुआत करनी थी, तो मीठे से शुरुआत की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल रिफाइंड जो है उसको गर्म कर लिया, और अब उसके अंदर मैंने जो हरी इलायची है, तेज़पत्ता, लौंग, ये सब डाल दिया है। आप चाहें तो जो हलवे में और सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना ही था तो मैंने वो डाल दिया। फिर उसके बाद मैं जो ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल के और फिर मैं इनको अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लूँगी। तो शुरुआत हमने मीठे से करी है। तो गाजर का हलवा काफ़ी टाइम से मेरे बेटे को भी बोल रहे थे कि बनाने के लिए, हस्बैंड भी बोल रहे थे, तो मैंने यही सोचा कि जब मैं भरोसी मेरी बन जाएगी, उसके बाद जब मैं उसको चलाऊंगी फर्स्ट बारी, तो तभी मैं जो है वो गाजर का हलवा जो है वो उस पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो गाजर है घिस के अच्छे से वॉश कर ली थी, और अब उसको देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर कोयले के साथ बनाने पे खाना मुझे बहुत टाइम लग गया था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम मैंने काउंट किया था, मैंने 7 बजे से बनाना शुरू किया था और फाइनल मैं 10:30 बजे बना के हटी थी। सिर्फ ये 3 आइटम्स, क्या हलवा, सब्ज़ी और पूड़ी, सॉरी पूड़ी नहीं, रोटी। तो ये सारी चीज़ों में, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कोयले पे बन रहा था और बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ पतले पतले लगा रही थी ताकि सही से वो जलता रहे, कोयला भी सुलगता रहे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है गाजर का हलवा बनने को लगता है अगर आप उसको ऐसे खुला बना रहे हैं तो, और धीरे धीरे आँच पे पका रहे हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने थोड़ा सा पहले इसको कढ़ाई के अंदर पका लिया, फिर उसके बाद मैंने उसको जो कुकर है उसके अंदर कर दिया था, और कुकर के अंदर डाल के मैंने फिर सीटी लगा दी थी, लेकिन वो सीटी भी मैंने इसी पर ही कुकर चढ़ाया था और यहीं भरोसी पर ही मैंने सीटी लगाई थी कुकर के अंदर। तो यहाँ पर अभी मैंने दूध ऐड कर दिया है, थोड़ी देर मैं इसको इसमें और पका लूँगी, फिर उसके बाद इसको जो कुकर है उस पर ट्रांसफ़र करके सीटी लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है अगर धीरे धीरे पकाएंगे इसको तो। और मुझे फ़िलहाल ही इसको पकाते पकाते 1.5 घंटा हो गया था कढ़ाई के अंदर, फिर तब जाके मैंने इसको जो कुकर है उसमें ट्रांसफ़र किया, सॉरी, और फिर मैंने उसमें सीटी लगाई थी। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, काफ़ी टाइम से मुझे जो है चूल्हे पे खाने, जो रोटी है, चूल्हे की सब्ज़ी बनी हुई, वो सारी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और यहाँ पे मैंने, जैसे कि आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, कि कॉलोनी है जहाँ पे मेरा जो ससुराल है, वो जहाँ मैं रहती हूँ, तो इस वजह से वहाँ जो खुला
जो पूरी जगह नहीं है, पूरे अंदर गली के अंदर मेरा घर है, बंद बंद प्लेस है, तो इस वजह से मैं इस तरह से चूल्हा बना के, या तो छत हो तो छत के ऊपर आप अच्छे से कर सकते हो ये सारी चीज़ें, घर पे भी तब ट्राई कर सकते हो, बट ऐसी खुली जगह नहीं थी। मेरा एक रूम वाला कमरा है, आप लोग जानते हैं, उसी में हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो मैं उस तरह से जो चूल्हा ओपन चूल्हा होता है वो नहीं मैं यूज़ कर सकती, तो इसीलिए मैंने बड़ोसी मम्मी से बनवा ली थी ताकि इसको मैं जला भी सकूँ कोयले के साथ, और फिर इधर उधर उठा के रख भी सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे जो है मैंने, आप देख सकते हैं, कुकर रखा हुआ है सामने, इसमें हलवा पक चुका था। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इस कढ़ाई में फिर से तेल डाल रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ इस पर सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो यहाँ पर जब तक तेल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसके अंदर मैं प्याज डाल के इसको फ्राई कर ले रही हूँ। प्याज आप लोगों को पता ही है, फ्राई कब तक करते हैं, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, लाल या ब्राउन कलर का नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको इस पर फ्राई करूँगी। तो बार बार बीच बीच में मुझे फूंकना पड़ रहा था ये फूंकनी से, और फिर इसमें मुझे छोटी छोटी लकड़ियाँ भी लगानी पड़ रही थी। कोयला जो है वो बहुत धीरे धीरे जलता है, तो बीच में पतली पतली लकड़ियाँ लगा रही थी ताकि जो आँच है वो तेज़ लग पाए और थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें बन पाए। तो यहाँ पे फूकनी, आप देख सकते हैं, बार बार मुझे फूकना पड़ रहा था। लेकिन एक चीज़ ये है कि इस पर बना हुआ खाना, चूल्हे पे बना हुआ खाने का जो टेस्ट होता है ना, लाजवाब टेस्ट होता है, उसकी आप बराबरी कर ही नहीं सकते हैं गैस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। फिर अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, और अब टमाटर ऐड करने के बाद ये आप देख सकते हैं मसाले हैं, जो सारे मसाले हैं मैंने एक ही बर्तन में निकाल लिया था, और अब इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़े से पानी के साथ। तो अब इसको अच्छे से मुझे भूनना है मसाले को, जब तक ये तेल जो है वो ना छोड़ दे। तो वही मैं बता रही थी कि टेस्ट जो है कमाल का आता है चूल्हे पे बने हुए, कोई भी चीज़ आप बनाइए उसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। और शहर की लड़की होने के बावजूद भी मैं हर एक चीज़ करना जानती हूँ, चाहे वो चूल्हे पे खाना बनाना हो या फिर कंडे, जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं कंडे या उपले किसको कहा जाता है, जो गोबर के गोबर से मतलब जो बनाया जाता है उसको सुखा के जो ईंधन का काम करता है चूल्हे में जलाने के, अंगीठी में जलाने का, उसको कंडे कहा जाता है। वो सब मुझे आता है, और ऐसा नहीं है कि शहर की हूँ तो मैं गांव के काम नहीं जानती, सब कुछ आता है ना। तो यहाँ पे ये आलू नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये लौकी है। और इसके बाद मैंने जो ये डाला है ये है मसाले वाली बड़ी। मेरे जो बेटा है उसको साबुत बड़ी मतलब नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रश करके और फिर डाला है। और यकीन मानिएगा, जब मैंने क्रश करके इसको डाल के ऐसे पकाया है ना, तो मेरे बेटे ने इसको बहुत अच्छे से खाया, उसको बहुत मज़ा आया। बल्कि मैं इससे पहले जब ये मैंने गैस पे बनाई थी तो मैंने बड़ी जो है इतनी ज़्यादा पीस के नहीं डाली थी, थोड़े से बड़े बड़े इसके जैसे सोयाबीन की बड़ी होती है ना, इतने बड़े बड़े साइज़ का मैंने रखा था इसको, तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है पकने के लिए, और अब देखिए मैं आपको हलवा दिखा रही हूँ। अब यहाँ हलवे में मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने खोया जो है वो उसको घिस लिया था, और ये मैं खोया इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। मेरे पास जो नारियल है उसका बुरादा था रखा हुआ, यहाँ पे मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ रोटी, तो ये मैं तवे पे ही रोटी बना रही हूँ। खुला वाला ओपन वाला चूल्हा होता तो मैं उसमें मतलब चिमटे से जो नीचे रख के लकड़ियों के साथ बनाते हैं, वो मैं कभी गांव जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाई जाती है। तो बस यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि हमारी जो फैमिली है वो बहुत जल्द बढ़ सके, और हम लोग और आपस में कनेक्ट हो सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे जो है बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों को व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैंने ट्रिप प्लान किया हुआ था तो वहाँ पर भी जाने का टाइम आ गया है, और
आप लोगों को एडवांस में क्रिसमस आने वाला है उसकी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस आप लोगों को, साथ ही साथ न्यू ईयर भी आने वाला है, तो हैप्पी न्यू ईयर भी एडवांस में। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं मेरे बेटे को खाते हुए रोटी और सब्ज़ी और साथ में गाजर का हलवा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा एफ़र्ट जो है वो कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।